मेरा नाम सुफिया खान है सर। हम दंगा पीड़ित हैं। जो 24 तारीख को हमारे यहाँ शिव बिहार में हमला हुआ था, उस दौरान हम लोग यहाँ पर इधर तो आ नहीं पाए थे, उस दौरान पीछे हम लोग भागे गाजियाबाद की तरफ, और फिर वहाँ से परेशान होते होते यहाँ पर हम लोग 3 तारीख को कैंप में आए, और हम लोग सारे हमारे बच्चों को लेके या सब लोग के हमारे जितने भाई बहन थे या पड़ोसी थे, जब वहाँ पे जलाने लगे घर को और घर को तोड़ने लगा, लूटपाट होने लगी, तो धीरे धीरे हम लोग जान बचा के वहाँ से निकले लोनी की तरफ। लोनी से फिर धीरे धीरे हम लोग जब थोड़ा सा माहौल वो हुआ तो हम लोग इधर ईदगाह की तरफ आए। सी एक्सर गली नंबर 3 अंबिका विहार शिव बिहार। शिव बिहार बहुत बड़ा है सर, मेट्रो स्टेशन वहाँ से बहुत दूर पड़ता है। हम तो गदापुरी चौक के तैयब मस्जिद के पास के। बहुत ज़्यादा सर नुकसान हुआ है, 24 तारीख, 25 तारीख और 26 तारीख लगातार इन लोगों ने लूटपाट और घर जलाना, दुकानें जलाना लगातार चला है वहाँ पर। हम रेंट पे थे, हमारे गली में हमारा तो कम हुआ है सर, लेकिन हमारे पीछे गली में करीब 5-6 घर एकदम जला के राख कर दिए गए, बाकी घर को लूटपाट करा गया, हमारी मस्जिद को जो है जला के जलाया गया, लूटा गया, उसकी बेद भी करी गई, बाकी आगे सामने गली में या रोड पे बहुत ढेर सारे घर जलाए गए। मेरा तो कम ही हुआ सर, कम से कम 50 से 60 हज़ार का नुकसान मेरा हुआ है। हमारे 3 बच्चे हैं, एक बेटा, 2 बेटी। दो बच्चे, बेटी बेटा मेरे 10th क्लास में, छोटी बच्ची मेरी 3rd क्लास में है सर। एजुकेशन को लेके मैं बहुत स्ट्रिक्ट रहती हूँ, मैं खुद एक टीचिंग करने वाली हूँ, लेकिन मेरे बच्चों की सबसे ज़्यादा अफसोस है, सारे बच्चों की, मेरे ही बच्चों की, सब बच्चों की एजुकेशन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ा है। अब बच्चे इतने डरे हुए सहमे हुए थे कि जो पढ़ना चाह भी रहे थे वो पढ़ नहीं पाए। हमारे बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बड़ा बेटे का मैंने ओपन से कराया है, छोटी बेटी जो है 10th क्लास में गवर्नमेंट से है मुकुंद विहार। तो उसका ये था कि जब हमला हुआ तो इतना ज़्यादा दहशत में आ गई थी, फिर उसके बाद मैंने दूसरी जगह भेजा, रास्ते में जो जला हुआ देखा, कटा हुआ देखा, खून देखा, तो बहुत ज़्यादा डर गई थी वो, और बेशुमार घर में आई जैसे लग रहा कितने दिन की बीमार है वो। हमारे घर हमारी बड़ी दीदी की बहू है या वो बच्ची हमारी, बहुत ज़्यादा दहशत में आ गई थी। मेरे हस्बैंड को तो हार्ट अटैक आ गया था, मैंने उसको गोलियाँ उनिया उनको दी थी, थोड़ा हल्का था, फिर दोबारा करके फिर उनको अटैक मैंने भेज दिया था वहाँ से दूर। तो मैं बहुत परेशान हो गई, उनकी नौकरी वगैरह जो थी वो भी छूट गई है। हम बनारस के रहने वाले हैं, अभी फिलहाल मेरी फ्रेंड के घर हैं, क्योंकि उनको अटैक आया था तो मैंने इस भीड़ भाड़ से दूर रखा है उनको, डॉक्टर ने मना करा था। लॉकडाउन हुआ है सर, तो हम लोगों को कोर्ट का फैसला यह था जिनके घर जले हुए वो कहाँ जाएंगे, आप लोग को यहीं रहना है, पूरी सुविधा यहाँ मिलेगी, साफ़ सफाई का ध्यान रखना है और अपना खुद का ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ से ये कहा गया कि जल्द से जल्द आप लोग यहाँ से निकलिए, और हम लोग को बहुत बुरी तरह बेइज्जत करके कि 3,000 रुपया लीजिए और ये लीजिए, इन लोगों को जस्टिफाई, अगर आप लोग यहाँ से नहीं निकलते हैं तो डंडा मार के पुलिस निकालेगी आपको। ये मुझे 2 दिन से यही बोला जा रहा है, और धीरे धीरे लोगों को इतना धमकाया जा रहा है, डर डर के लोग अपने अपने जो है स्लिप कटवा कटवा के और इधर उधर कोई भाग रहा है, इतने महंगे किराए हैं कि रहना मुश्किल हो रहा है हम लोग के लिए। अब हम लोग कहाँ जाएँ, कैसे जाएँ, किसी से कह नहीं पा रहे हैं। और बताइए बारिश के मौसम में हम लोग कहाँ जाएंगे, जिनका घर जल गया परेशान है। मैं तो अपनी फ्रेंड के यहाँ गई थी बीच में, अब उनका भी छोटा सा घर है सर, हमें कहाँ किराए पे लेंगे, हमारे हाथ में तो एक पैसा भी नहीं है, हस्बैंड की भी नौकरी छूट गई है अटैक की वजह से, यहाँ पे बहुत बुरी हाल कर रखी है इन लोगों ने, बस निकलो किसी तरह निकलो। देखिए हम तो यही चाहते हैं, अभी हम लोग दंगा पीड़ित हैं, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा हम लोग घर कैसे जाएं, क्योंकि हाथ में हम लोग के कुछ पैसे भी नहीं है। मैं नहीं रहती तो मैं घर कहीं से लेके कर सकते थे, लेकिन हम लोग के पास पैसे भी नहीं है, जो हम लोग के लिए मुआवजा रखा गया था देने के लिए उसमें से हम लोग को 1 रुपये भी नहीं मिली है किसी को भी, ना मकान मालिक को ना किराएदार को। यहाँ पे हम लोग अभी जो परेशान है उनके लिए इंतजाम करा जाए, जो वायरस है हम लोग तो साफ़ सफाई खुद कर रहे हैं, मैसेज भी दे रहे हैं कि अपने अपने बेड को फासला रखिए, बच्चों को हाथ धुलाइए, खाना खिलाने के लिए अपने साथ कैसे खिलाइए, सब चीज़ का मैसेज दे रहे हैं हम लोग। वही तो सोचा जा रहा है सर, अभी कोई इंतज़ाम नहीं है, बिना अब बिना जान पहचान के एरिया में कौन हमें किराए पे दे देगा ये बताइए आप। हर कोई तो पूछता है ना किसकी जान पहचान का है, अगर कोई दे भी देता है तो एडवांस मांगेंगे, हम कहाँ से देंगे। आज पूरे 1 महीने से ज़्यादा हो गए, 24 से 24 तारीख हमारे पूरे 1 महीना हो गया और कोई काम नहीं धाम नहीं, हम लोगों को भी काम पे वायरस की वजह से रोक दिया, कहाँ से हम देंगे, हमारे बैंक अकाउंट में भी कुछ नहीं है।